नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। वार्डर आपसे असंतुष्ट क्यों है? असंतुष्ट क्यों है? जो देखिए, एक तो जो मतलब सरकार की जो पॉलिसी है जी, जो बॉर्डर और मुखिया के बीच में जो जिस तरह का जो काम डाल दिया गया है जी, ये मतलब उचित कदम ही नहीं कहा जा सकता है जी। एक दीवार खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश और आइए आपको हम लेकर आए हैं पालीगंज ब्लॉक के चिकसी पंचायत में। हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जल नल योजना अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारे साथ मुखिया जी, आखिर हम इससे बात करेंगे, आखिर क्या समस्या हो गई कि अभी मुख्यमंत्री की सात नीचे योजना अभी तक यहाँ की जनता नहीं देख पाई है। स्वागत है सर विजय निवेश। मुखिया जी, आप पर गंभीर आरोप यहाँ की जनता लगा रहे हैं कि जल नल योजना चालू है चिकसी में, क्या कहेंगे इस पर, क्या कारण है जल नल योजना नहीं चालू होने का? सरकारी इंस्ट्रक्शन अनुसार हम लोग पैसा का हस्तांतरण कर चुके हैं। वहाँ के जनता का शिकायत नहीं है, वहाँ का ये बाढ़ का शिकायत है जी, जिन्हें वो निजी शिकायत बोला जा सकता है जी। आम आवाम का शिकायत नहीं कहा जा सकता है। नहीं तो मैं ऑन स्पॉट में चल भी सकता हूँ और वहाँ के आम आवाम से मिल करके हम आपको भी सामने रूबरू करवा सकते हैं। वहाँ मेरे प्रति शिकायत नहीं है, वहाँ बाढ़ में कमजोरी है। जो सरकार का जो निर्देशन है, सरकार का जो मतलब गाइडलाइन है, उस हिसाब में 100% पैसा हस्तांतरण करना था नल जल में, हमने कर दिया है। बराबर मैं कह भी रहा हूँ, उसके लिए मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, लेकिन बाढ़ जो है सो नोटिस नहीं दे पा रहा। लेकिन वार्डर को कहना है मुखिया जी कि मुखिया जी के कमीशन की मांग करते 1,00,000 रुपया दिया गया है, उसके बावजूद भी पैसा की मांग बिल्कुल की क्या कहेंगे इस बात की? बिल्कुल 110% ये बात गलत है जी। मनरेगा का काम मुखिया जी कितना हो गया आपकी पंचायत में, कितने विकास मनरेगा में आती है? मैं मनरेगा का काम बहुत कर रखा है पंचायत में, गांव से गांव को मैं मतलब पगडंडी से जोड़ दिया है, मतलब ऑन स्पॉट ले करके हम दिखा सकते हैं। कौन ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के पहले आपने देखा था कि पंचायत में भी ये काम होना जरूरी है जो अभी तक नहीं हो पाया है? हाँ, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल में चाहता था जी, उस कारणों से हॉस्पिटल के लिए हमने बात भी किया था जी, लेकिन हॉस्पिटल में उस जमीन जितना जो जमीन का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो जमीन फुलफिल नहीं हो रहा था नॉर्म्स के हिसाब में जी, तो हॉस्पिटल मेरा नहीं पूरा हुआ, पंचायत में नहीं हो सका। फिर उम्मीद है कि हमें जरूर जनता के मेरे प्रति आशीर्वाद है, दुआ है, दुलार है, प्यार है, मैं निश्चित रूप से फिर हम पंचायत में आएंगे और इस चीज़ को मैं पूरा करूँगा। बिल्कुल मुख्यमंडल की जो साथ नीचे योजना वास्तव में जनता पर सही है? नहीं, सक्सेस है? नहीं, बिल्कुल सक्सेस नहीं है। हैंड पाइप की जरूरत थी, हाँ, आज नल जल MB हो भी जा रहा है, उसे कोई देखने वाला आदमी नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी पर पैसा ट्रांसफर है अकॉर्डिंग टू जिला सरकार के निर्देश, लेकिन सारा चीज फेल है जी। अब ये तस्वीर जो देख रहे थे, ये चिकसी पंचायत के मुखिया जी के जो बयान है, इससे आधारित होता है कि पंचायत में जो विकास है काफ़ी विकास की है। अब यहाँ की जनता है, कुछ इनसे हम बात करेंगे कि मुखिया जी का कार्य शैली कैसी है। कुमार जी ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। अरुण जी, मुखिया जी को आरोप लगा रहे थे, क्या कहेंगे? मुखिया जी से जो आरोप लगा है बहुत गलत है। मुखिया जी बहुत अच्छा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, पंचायत में ढंग से काम हो रहा है। मुखिया जी को कोई अध्यक्ष नहीं लगना चाहिए, जो लगा रहा है वो जुमला है, जुमलाबाजी हो रहा है। हम दूसरे नंबर वार्ड से आते हैं, मेरा घर चिकसी होगा, चिकसी में जो बाढ़ है बहुत खत्म तरीका का है। मुखिया जी वो बार बार आरोप लगाता है, लेकिन हम लोग कह कह थक गए उसको, लेकिन वो अपना सुनने करता है, अपना आवेश में रहता है, बाढ़ अपना अकेला बात सुनता है, अपना बात सुनता है, किसी को जानता नहीं है। घर में नल है? हाँ, घर में नल है, जलाता है। यानी इस बार किन को आप साथ दीजिएगा, मुखिया जी को किन चुनाव में खड़ा होना है? अरे मुखिया जी किन चुनाव में खड़े होंगे, चुनाव में आएंगे, इनसे बेहतर मेरा पंचायत को कोई मुखिया लायक है भी नहीं।
तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो चिकसी पंचायत के मुखिया जी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे बेबुनियाद, यानी कि चुनाव का समय आ रहा है, यानी विपक्ष पार्टी कहे या जो भी कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इन पर लगातार हावी हो रहा है क्योंकि ये पढ़े हुए लिखे हुए प्रत्याशी हैं। अब आपको बता दें कि ये डॉक्टर भी है, यही कारण है कि इन पर वार्डर साहब ना खुश रहते, यानी वार्डर साहब को ना खुश होना ये है कि सिर्फ वार्डर साहब अपना बात को पास करते हैं, मुखिया जी जो कहते हैं वह वार्डर साहब नहीं सुनते हैं, यही कारण है कि वार्डर साहब ने मुखिया जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी आदर्श कुमार के साथ नीरज कुमार, पटना।